अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे और लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो है, जो हम पिछले वीडियोस का कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है जी चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, फिजिक्स, 9th क्लास, फेडरल बोर्ड। और एग्जांपल नंबर जो हमने करनी है वो है 4.4। स्टूडेंट्स, है अब एक एग्जाम्पल फोकस करते हैं, बहुत ईजी है। ये मूवमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट आपने जेन में रखना है, आपने इसमें ये प्रिंसिपल मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है, आपने फोकस रखना है। और हमें एक चीज़ पता है कि द सम ऑफ कहते हैं द मोमेंट आर्म ऑन द राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है, वो किसके बराबर होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होती हैं। अच्छा जी, द मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट द मिडल ऑफ पॉइंट ओ, यानी कि मीटर रॉड लिया हुआ है ना यहाँ पे इस तरह करके, इसके मिड में हमने क्या किया हुआ है, एक इसको सपोर्ट दी हुए, इस पॉइंट को हमने कहा गया है ओ, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज, द ब्लॉक ऑफ अ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक जो ब्लॉक उन्होंने सस्पेंड किया है वो कितना क्या किया है उन्होंने, 10 न्यूटन का किया है, सॉरी 10, एक मिनट, सस्पेंडेड, हाँ वेट, हाँ उस पे ब्लॉक पे जो वेट लग रहा है वो कितने का है जी, 10 न्यूटन का लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक डेड बैलेंस एट पॉइंट अच्छा 0.1 सॉरी ठीक है यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों वो है 40 सेंटीमीटर, उसके बाद इन्होंने यहाँ से 25 सेंटीमीटर में एक और ब्लॉक सस्पेंड किया है यहाँ पे, और हमने बताना है कि इस ब्लॉक पे वेट कितना लग रहा है, वेट बताना है हमने इसका, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सम ऑफ फोर्स, सम ऑफ टार्क ऑन द वन एंटी क्लॉक वाइज टार्क होती हैं, वो क्लॉक वाइज टार्क के बराबर होती हैं। अच्छा जी, इसमें हमें गिवन क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो है जी मोमेंट आर्म कितना हो गया हमारे पास, वो कितना गिवन है जी, ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर, जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंट आर्म है वो हमें कितना है जी, डब्ल्यू वन से रिप्रेजेंट कर यार, वो है जी 40 सेंटीमीटर, और ये है जी 0.40 मीटर। उसके बाद इस पे जो वेट लग रहा है वो लग रहा है जी 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इस पे कितना वेट लग रहा है हमने वो फाइंड करना, टू मच गर्मी शर्मी है बच्चों। सो हमें पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा जी W1, जो हमने इसका वेट फाइंड करना है, OA W2 मल्टीप्लाई बाय OB, OA यहाँ से A तक का पॉइंट का वेट, और OB यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आर्म, और ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये W1 हमने फाइंड करना है, OA यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा W2 मल्टीप्लाई बाय OB डिवाइडेड बाय OA। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, W2 की वैल्यू क्या है, 10 है, ये हमारे पास है 0.40 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 0.25 मीटर। जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है 16 न्यूटन का। सो ये था बच्चों हमारी एग्जांपल नंबर 4.4। नेक्स्ट है जी हमारी
example have 4.5. Yes. The weight, a block of a weight of 10 newton, yani ke ek block hai jiska weight hai 10 newton, is hanging through a cord. एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है जी 10 न्यूटन है जो इसको हम इसको हमने हैंग किया हुआ है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने क्या फाइंड करना है जी इसकी टेंशन फाइंड करनी है तो गिवन क्या है हमारे पास वेट वेट को w से रिप्रेजेंट करते हैं 10 न्यूटन हमने क्या फाइंड करनी है टेंशन टेंशन को t से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फाइंड करनी है फार्मूला हमें पता होता है कि एक चीज़ रेस्ट पे कब होती है जब द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाती हैं और सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो कब होती हैं जब टेंशन और जो वेट है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं अब W यहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू W और टेंशन इज इक्वल टू W और W क्या है हमारे पास 10 न्यूटन तो टेंशन भी क्या हो जाएगी 10 न्यूटन तो ये बहुत इजी सा हमारी ये एग्जांपल था तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 4.6 अच्छा टेक इट एज योर होमवर्क दिस एग्जांपल ठीक है जो हमने 4.4 की है और 3 जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको करवाई थी ये बिल्कुल दोनों को फ्यूज करके इन्होंने की गई है सो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूं मैं एक रॉड ली गई है जो कितने की है जी 1.5 मीटर की प्रॉपर रॉड है पूरी रॉड कितने की 1.5 मीटर की रॉड है मैं आपको उसकी फिगर समझा देता हूं मैं सॉल्यूशन आपने खुद करना है रॉड हमारे पास कितनी है जी 1.5 मीटर की ठीक हो गया इस प्लेस ओवर अ एज ऑफ 0.5 यहां पे करके यहां से अगर 0.5 मीटर जो हमने लिया है डिस्टेंस ठीक है 0.25 और 0.5 मीटर पे हमने इसको प्लेस किया हुआ है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द एंड ठीक है जी near the wedge to keep it horizontal यहाँ पे 100 न्यूटन की हम क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं ताकि इसको हम हॉरिजेंटली तौर पे बैलेंस कर सकें और हमने क्या करना है इसका वेट फाइंड करना है ऑफ रॉड और रिएक्शन फाइंड करना है ये सिंपल यानी कि मोमेंट आर्म वाला फार्मूला आपने लगा देना है उसके बाद ये है कि आपने मोमेंट आर्म सबसे पहले निकालना है सम ऑफ टॉर्क निकाल देना है उसके बाद सम ऑफ ऑल फोर्सेज वही है कि रिएक्शन फोर्स और जो जो वेट है टेंशन है इनका जो जो टॉपिक में आपको पढ़ा है वो करके आपने सॉल्व करने से सो हमारे इस चैप्टर के हमारे कुछ कंप्लीट हो गए हैं 4.1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने करवा दिए आपको 4.6 आपको एज अ होमवर्क दिए हैं सो कोई भी आपको क्वेश्चन है कोई समझ ना है तो आप कमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं सी यू नेक्स्ट लेक्चर